दफा का जिक्र है। एक जंगल में कालू रहता था जो बहुत आलसी था। वो कोई काम ना करता था। उसी जंगल में एक रानू रहती थी जो मेहनती चिड़िया होती है और हर कोई काम अपने आप से। कालू भैया, आपको तो पता है बारिश का सीजन आने वाला है, फिर आप क्यों सारा दिन सोए रहते हैं और मौज मस्ती करते रहते हैं? घर क्यों नहीं बना लेते? फिर आपको परेशानी होगी बाद में बारिश का महीना आएगा तो, इसलिए कहती हूँ। चिड़िया, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है। मैं ये समय अपना घूमने फिरने पर ना लगाऊं और घर बनाऊं, तुम्हारी तरह सारा दिन मेहनत करता रहूं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। जब बारिश आएगी तब की तब देखी जाएगी। अभी तो मैं इंजॉय करने के दिन है, इंजॉय करूंगा और मुझे क्या टेंशन है। जब बारिश आएगी तब देखूंगा। चलो मैं चलता हूँ, तुम ऐसे ही काम करती रहना, पता नहीं तुम्हें क्या मिलता है। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। चिड़िया जा ही रही थी कि कबूतर उसे बुला लेता है और कहता है, कालू क्या हुआ कबूतर भैया? चिड़िया, वो कालू तुम्हारे पड़ोस में ही रहता है ना, मैंने उसे कई दफा देखा है हर जगह घूमते फिरते और इंजॉय करते हुए। क्या वो मेहनत शहनत नहीं करता, सारा दिन घूमता रहता है। तुम उसे समझाया न करो, तुम्हें पता तो है बारिश का सीजन आने वाला है और हर किसी को फिक्र है, लेकिन उसे तो अपनी फिक्र ही नहीं है। ऐसे ही कबूतर भी रानों को कहता है, लेकिन रानों कुछ भी जवाब नहीं देती। ऐसे ही क्या हाल है तुम्हारा कालू? आजकल तुम बड़े घूम फिर रहे हो, बड़े इंजॉय कर रहे हो आजकल। मैंने सुना है कोई काम शाम नहीं करते, बस इंजॉय करते रहते हो। हाँ हाँ, लेकिन उस चिड़िया ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, वो तो मुझे अब इंजॉय भी नहीं करने देती। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कालू? उसे कभी मेरे पास लेकर आओ। मैं उसका कभी 3 दिन हो गए शिकार भी नहीं किया, वह उसे खाकर मजे। नहीं नहीं, ये काम मुझे नहीं आता। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, निकमे आलसी कव्वे ना हो तो, खुद के लिए तो कुछ कर नहीं सकते। डरू पोग ना हो तो, मेरा काम नहीं कर पाते। जाओ जाओ यहाँ से, मुझे पता है तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम मेरे किसी काम के भी नहीं हो। ऐसे ही कालू मना कर देता है कि चिड़िया बहुत चलाक है, वो मेरे कहने पर यहाँ क्यों आएगी। ऐसे ही अगले दिन बारिश होने लग जाती है। कालू, इतनी बारिश में मैं कितनी दफा समझाया है कि अपने लिए घर बना लो और उस घर में मजे से रहो, लेकिन आप तो कुछ सुनते ही नहीं हो। मैं तो तुम्हें कह रही थी कि घर बना लो, बारिश का सीजन आ रहा है और भोजन भी इकट्ठा कर लो। देखो अब तुम्हें कितनी सर्दी लग रही है और कितने परेशान हो रहे हो। चिड़िया चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। एक तो मुझे सर्दी लग रही है, ऊपर से तुम्हारे लेक्चर ही खत्म नहीं आ रहे। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ बड़ी आई तुम मुझे लेक्चर देने वाली। मैं अभी तुमसे पूछता हूँ बड़ी आई, ये चिड़िया मुझे लेक्चर देने वाली, इसके लेक्चर की तो अभी मैं थाप लगा कर आता हूँ। मुझे ये सबक सिखाएगी आज तो, इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। ऐसे ही कालू घर को धक्का देता है और उसका चिड़िया का घर तोड़ कर नीचे फेंक देता है। इधर रानू आती है और कहती, मैं तो आपको समझा रही थी, आपने मेरा ही घर तोड़ दिया। अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? खुद तो कोई काम करते नहीं हो, दूसरों को भी तंग करते हो। मैं तो आपको आपके भले के लिए समझा रही थी, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों किया? मेरा घर, अब मैं कहाँ जाऊँ? बड़ी आई चिड़िया, तुम मुझे लेक्चर देने वाली, अब तुम्हें पता लगा कि दूसरों के साथ करने से क्या होता है, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ऐसे ही कालू उस बिचारी चिड़िया को बहुत सुनाता है। वो बिचारी बहुत ज्यादा परेशान होती है और बारिश के कारण वहीं पर भीगती रहती है। बहुत सर्दी होने के कारण वो बहुत परेशान थी कि वहां पर एक बूढ़ा डुकू आता है जो उससे कहता, बेटा मैंने तुम्हारी और कालू की सारी बातें सुन ली है और मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ वो कालू क्या क्या करता है, लेकिन बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक जादुई अंडे सा घर देता हूँ जिससे तुम उसमें अच्छे से रह सकती हो और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम एक मेहनती चिड़िया हो और तुम अपने काम खुद करना जानती हो। बेटा तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं ही तुम्हारी हेल्प करूँगा और उस घर में हर जरूरत की चीजें होगी जिससे तुम अपने लिए सब कुछ कर सकती हो।
ऐसे ही रानो चिड़िया बारिश में भीगते हुए वो घर फिर चली जाती है। वो अंडे का घर बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। फिर वो पानी में भीगती नहीं है और घर में चली जाती है जहाँ पर जरूरत के सब सामान थे। और फिर वो चिड़िया उस घर में खुशी खुशी रहने लग जाती है। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कहानी अच्छी लगी या नहीं लगी। और दूसरी बात, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सपोर्ट किया और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब किया, जिसकी वजह से आज मेरे सब्सक्राइबर 7K हो गए हैं। थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय। गोरी जान, देखो तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ। अपनी जान के लिए ऊपर से चॉकलेट भी डलवा कर आया हूँ। बड़ा मजे का केक है मेरी जान। तुम भी क्यों फिक्र करती हो? अपनी माँ को मैं जैसे कैसे मना लूंगा, तुमसे ही शादी करूंगा। क्यों उदास है मेरी जान? बताओ मेरी जान, क्यों उदास है? बस कर दे कालू जी, आप मुझे भी ताने देंगे कि मैंने पहले शादी की थी और उसे मार आई हूँ। वो खुद ही बुढ़ा था, मर गया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कालू जी सब मुझे ताने देते हैं। लगता है आपकी माँ को भी ये बात पता है, इसलिए वो मेरी शादी आपसे नहीं कर रही। मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो बुढ़ा खुद ही मर गया था, मैंने थोड़ी जहर दिया था। माँ, मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं शादी करूँगा तो गोरी से करूँगा, वरना तो मैं कभी जिंदगी भर शादी नहीं करूँगा, कुंवारा मर जाऊँगा। तुमने कारोबार तो लगा कर दे दिया, हमारे घर में किसी चीज की जरूरत की? हर चीज। तो इसलिए तो तुम्हें कारोबार नहीं लगा के दिया कि तुम उस मनहूस गोरी को जाकर खिलाओ कभी आइसक्रीम है कभी पिज्जा। सुना है मैंने जंगल वालों पंछों से के कैसे कैसे तुम उसकी फरमाइश, तुम्हारी शादी उससे मैं कभी नहीं होने दूंगी अपने जीते हुए। जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से, दफा हो जाओ। फिर इधर गोरी, दीदी दीदी देखो देखो, कालू मेरे लिए मछलियाँ लेकर आया है, और पिछले को तो मैंने खुद ही जहर देकर मारा था। इस कालू से तो सारे बदले लूंगी। मैंने सुना है इसके पास कमाता शमाता है, बहुत पैसे हैं, यहाँ से हम भाग चलेंगे और फिर मजे से शहर में घर लेंगे। हाँ दीदी, तुम ठीक कह रही हो, हर सामान खिलाता है आपको, कभी मछलियाँ कभी गोलगप्पे कभी क्या, लेकिन मुझे लगता है वो बुढ़ी कभी नहीं मानेगी आपकी शादी कालू से कराने के लिए। फिर गोरी कहती है, ये मेरा मसला है, कालू मरता है मुझसे वो मुझसे शादी करेगा। इधर रानो जो है अपनी, आंटी क्या हुआ, कालू ने कुछ परेशान किया हुआ है? क्या बात है आंटी, आपको बताइए क्यों उदास बैठी हैं इस तरह आप? बेटा क्या बताऊँ कालू के बारे में, बेटा उसने तो मेरी नींदें खराब कर दी हैं। उस गोरी मनहूस के चक्कर में है, शादी करना चाहता है उस गोरी से। बेटा मैं बहुत परेशान ना हूँ तो क्या हूँ बेटा? आंटी अब सही कह रही हैं, वो गोरी ठीक नहीं है, वो उस बुढ़े को भी उसने जहर देकर उसकी सारी दौलत हड़प रही थी। आप कालू को समझाएं, कालू भैया जरूर समझ जाएंगे। ऐसे ही कालू फिर गोरी के पास जाता है। कालू जी, ये क्या मेरे लिए स्ट्रॉबेरियां लेकर आए हैं? मैं कब से कह रही हूँ अपनी माँ से बात करें और शादी का कोई प्लान बनाए, मुझे तो आज ही शादी करनी है आपसे, बस मैंने कह दिया। ठीक है गोरी जान, आज ही हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन तुम अपने घर चली जाना जब तक मैं अपनी माँ को राजी नहीं कर लेता। ठीक है, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ऐसे ही कालू शादी करके अपनी माँ से कहता है, माँ जी मैंने अपनी शादी कर ली है, अब आप उसे कबूल कर लें गोरी को, मैं कल ही उसे ले आऊंगा घर में, आप बस समझ जाएं, मैं कल लेकर आऊंगा अपनी बीबी गोरी को यहाँ पर। ये कैसी बच्चे को मैंने जन्म दे दिया जिसे माँ की इज्जत और उसकी बात का एहतराम ही नहीं है? क्या किया है मैंने, पाल पोस कर कारोबार लगा कर दिया, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? ऐसे ही अगले दिन कालू ले आता है और उसकी माँ, तुम ले आए इस मनहूस को मेरे घर में, इस मनहूस के सब कदम मेरे घर में आएंगे तो मेरे घर का क्या बनेगा? बेटा मैंने कहा था इस मनहूस को मेरे घर में ना लेकर आना, टांगे तोड़ दूंगी मैं इसकी। बड़ी आई मेरे घर पर कब्जा, बुड्ढे को तो मार दिया, अब मेरे घर को खराब। सासू माँ ये क्या बोल रही है, अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बक 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 करती रहेंगी और मेरे खिलाफ कुछ भी। कालू जी क्या सुन रहे हैं अपनी माँ की, कुछ तो बोले, बस
मुंह में पता नहीं कोई अंगारा रखा हुआ है जो अपनी माँ की बातों का जवाब नहीं दे रहे। चुप करें बुढ़ी। क्या चुप करूं, मेरे बेटे को तो तुमने अपने जाल में फंसा लिया और मुझे कहती है चुप कर, कभी नहीं करूंगी और मैं तुझे कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। तू ना मान बहू मुझे, मैंने कौन सा कहा है मुझे ना मान, मैं कालू की बीबी बनकर रहूंगी, किसी की गुलामी छुलामी मुझे नहीं करनी। कालू जी ऐसे ही कालू काम पर चला जाता। अब क्या हुआ, खाना पका, चल चल खाना पका। मेरी जूती, क्या जूती तेरी, खाना पका, चल सारी हांडी रख रखी है, जल्दी से खाना पका। मैं तुझे बिल्कुल इस घर में सुकून से नहीं जीने, बड़ी आई बुढ़ी मुझे सुकून से जीने ना देने वाली। मैं तुझे अपने घर से धक्के देकर, क्या धक्के देकर तू भगाएगी मुझे, हाँ क्या भगाएगी मुझे। ऐसे ही गोरी अपनी सास को धक्के देकर घर से भगा देती है। और फिर वो बिचारी, क्या हुआ माँ जी, कालू तो ठीक है ना, कोई परेशानी की बात तो नहीं। मैंने सुना है कालू ने उससे गोरी से शादी कर ली है। मैं ये बात आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसी बात है, कालू ने शादी कर ली है। हाँ बेटा, क्या बताऊँ तुम्हें, उस मनहूस से शादी कर ली है और वो मनहूस मुझे घर से निकाल दिया, मुझ पर जुल्म करती है, मुझे घर से निकाल दिया। मेरे बेटे ने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। हाय सारा सोना लेकर यहाँ से भागती हूँ, ये ना हो वो आ जाए। और फिर ऐसे ही कालू जब घर पे आता है, उसे खत मिलता है। देखो कालू, मैं गोरी, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैं तुम्हारा सारा सामान लेकर यहाँ से जा रही हूँ, और मैं तुम्हें लूटने आई थी, तुम्हारी माँ तुम्हें सही समझाती थी, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मुझे पैसे मिल गए, तुम्हारा जेवर मिल गया, इसी चीज़ की ज़रूरत थी, मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी जब तुम मेरा ये खत पढ़ोगे। ऐसे ही कालू बहुत दुखी होता है और फिर जाकर अपनी माँ से मिलता है। माँ मुझे माफ कर दो, माँ आपने सही कहा था, सब मेरी गलती है। ऐसे ही कालू अपनी माँ से माफी मांगता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ, हम बर्बाद हो गए, कहीं की नहीं रहे। उसकी माँ बिचारी क्या करती, अपने बेटे को माफ कर देती है। प्यारे बच्चों, कभी भी अपनी माँ की नाफरमानी ना करो, वो जो भी समझाती है आपके भले के लिए समझाती है।